देखिए कानपुर से बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ट्रेन को डीरेल करने को लेकर एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि पुलिस ने अब 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। शिवराजपुर थाने में संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी। कालंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की ये साजिश रची गई थी, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से ट्रैक पर सिलेंडर, बारूद, इस तरीके की तमाम चीजें जो बरामद की गई हैं, और अब इस मामले में जांच एटीएस, पूछताछ एटीएस की टीम संदिग्धों से करेगी। 10 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो एटीएस इस मामले में अब हर एंगल से जांच में जुट गई है। एटीएस के आईजी नीलाब्जब चौधरी का कहना है, इस हादसे को आतंकवादी साजिश से भी जोड़कर जांच की जा रही है। ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है, आतंकी साजिश। तो जांच बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और एक पॉसिबल डिरेलमेंट का प्रयास किया गया कालिंदी एक्सप्रेस को, और हम लोग सभी पहलू पे इसको देख रहे हैं। जिला पुलिस भी इस पे कार्यरत है और हम लोग अपने एटीएस से भी अलग से टीम हमारी इस पे कार्यरत हो गया। कल रात से हम लोग की टीम यहीं पर है, तो जैसे जैसे कोई बात सामने आएगी हम आपके सामने सभी पहलुओं पे हम लोग विचार कर रहे हैं और पुराने घटनाओं के साथ भी इसको जोड़ के देखेंगे। जैसे कोई बात सामने आएगी आपके सामने। तो आप सुन रहे थे, एटीएस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में हर पहलू पर जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि मामला आखिर क्या है उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी हो जाता है। 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और अब एटीएस की जो टीम है वो इन संदिग्धों से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल जो आतंकवादी वारदात को अंजाम देने वाला एंगल है उसको भी अभी खारिज नहीं किया जा रहा है, और ऐसे में कुछ और आला अधिकारी उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जांच को लेकर जो जानकारियां साझा की जा रही हैं, तो एक तरफ पुलिस जो है वो अपनी जांच कर रही है, एटीएस को जांच सौंप दी गई है, एटीएस संदिग्धों से पूछताछ करेगी, वहीं दूसरी तरफ सियासी प्रतिक्रियाएं इस मामले पर सामने आने लगी हैं। कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश को लेकर इस समय बड़ा अपडेट मैं आपको बता रही हूं। एबीपी न्यूज पर बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा आरोप लगा दिया गया, रेलवे के खिलाफ कांग्रेस साजिश रच रही है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। ट्रेन के खिलाफ साजिश पे कांग्रेस का टूलकिट, देश को अव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, गिरिराज सिंह ये आरोप लगा रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी नहीं बल्कि ट्रेन साजिश को लेकर राहुल अखिलेश चुप क्यों, ये सवाल पूछते हुए गिरिराज सिंह राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इधर लगातार भारत में, भारत के यात्रियों में दहशत, भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सिलेंडर, बगल में बारूद, बगल में पेट्रोल, बगल में माचिस, ये तो दूसरा गोधरा कांड करवाना चाहते थे। ये कांग्रेस का टूल कीट है, मैं आरोप लगा रहा हूं। एक खास वर्ग के लोगों को अभी नहीं पर्दा खुला है, खास वर्ग के लोगों को टूल कीट बनाया जा रहा है भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए, भारत के रेल को टारगेट करके देश में दहशत फैलाने के लिए। किसी घटना पर राहुल गांधी का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, किसी टूल किट का आया, किसी का नहीं आया। कांग्रेस पर आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस की जुबान आखिर खुल क्यों नहीं रही है। न साबरमती पर खुला, न कालंदी एक्सप्रेस पर खुल रहा है। कानपुर में घटना घटी है, अखिलेश यादव की जुबान बंद है, राहुल गांधी की जुबान बंद है। अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी भारत को गाली दे सकते हैं, भारत के टूल किट पर उन्हीं का टूल किट। तो केंद्रीय मंत्री बड़े गंभीर संगीन आरोप राहुल गांधी से लेकर अन्य विपक्षी दलों पर लगाते हुए, वहीं केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया है, इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया। कांग्रेस कह रही है सरकार आपकी, और सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। कानपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या बोला, ये कांग्रेस ने पलटकर सवाल पूछ लिया है, क्योंकि अभी गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि इन घटनाओं पर राहुल गांधी ने क्या बोला, अखिलेश यादव ने क्या बोला, ममता बनर्जी चुप क्यों हैं। तो अब कांग्रेस पलटकर ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, जरा ये बताएं गिरिराज सिंह। हादसे साजिश रोक नहीं पा रही है सरकार, ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है बीजेपी सरकार पर। मोदी जी ने बोला क्या कानपुर पे, मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं सुनाई दी। प्रधानमंत्री कौन है देश के, मोदी। मंत्री कौन है, गिरिराज।
और जवाब दे राहुल गांधी, सरकारें आपकी चल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे रेल हादसों को, आप सैबोटाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जवाब राहुल जी से मांगते हैं। राहुल जी जवाब देंगे, एक दो साल रुक जाइए, जब देश की कमान हमारे हाथ में आएगी हम ही जवाब देंगे, आपसे नहीं सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, जितना गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर लगाया, उतना ही करारा जवाब गिरिराज सिंह को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया। पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। पवन खेड़ा ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर और साथ ही केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर कटघरे में सरकार को खड़ा कर दिया कि साहब सरकार आपकी, सत्ता में आप, और सवाल आप विपक्ष से पूछते हैं। इस सबके बीच अपडेट ये कि संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी, शिवराजपुर थाने में संदिग्धों से पूछताछ होगी। 10 संदिग्ध हैं जिन्हें इस समय हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। आखिरकार ये पूरी साजिश क्या थी, इसी की तह तक जाने के लिए सुरक्षा बल जांच में जुटे हुए हैं। एटीएस की टीम जांच कर रही है, पूछताछ करेगी इन संदिग्धों से जिन्हें हिरासत में लिया गया है। कि बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा वारदात हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उसको टालने में बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, जो ट्रेन के ड्राइवर उसकी सूझबूझ की वजह से। और इस बीच आपको बता दूं, कानपुर ट्रेन मामले को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। साजिश को लेकर सभी जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। कानपुर ट्रेन मामले पर यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह एंगल साजिश का हो सकता है, इसको लेकर सभी एजेंसियां अलर्ट हैं। कानपुर ट्रेन मामले पर साजिश का एंगल, और ऐसे में सभी जांच एजेंसियां अलर्ट। ये कोई इकलौता मामला या फिर इस तरीके के कुछ और मामले भी, ये वो तमाम एंगल्स हैं जिसको लेकर अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, एटीएस की टीम उनसे पूछताछ करेगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं। वरुण, ये मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साजिश का एंगल उसको लेकर अब सभी एजेंसियां अलर्ट पर, अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, तमाम एजेंसीज और साथ ही एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एजेंसीज को पूरा पूरा शक है कि एक बड़ी आतंकी साजिश इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरतुल्ला घोरी ने एक ऑडियो जारी किया था, और उसमें जो अपने भारत में मौजूद जो स्लीपर सेल थे उनको ट्रेन पलटाने का आदेश दिया था, यानी कि ट्रेन को डिरेल करने की एक बड़ी साजिश रचने का आदेश एक ऑडियो जारी कर दिया था। उसके बाद भी एजेंसीज ने एक अलर्ट था वो जारी किया था, तो उसी के चलते जो एनआईए है वो, साथ ही हम तमाम एजेंसीज हैं वो यूपीएटीएस के भी संपर्क में हैं और लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उनको शक है कि इस वारदात के पीछे भी बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। और रुमाना, एक और बात आपको देखनी होगी कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश से भी हुई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये तार जाकर इन्हीं स्लीपर सेल से कनेक्ट हो, उसी को लेकर अब एजेंसी अलर्ट पर है। और एनआईए बेहद गंभीर होता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है, और अब इंतजार करना होगा जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरी साजिश है क्या। शुक्रिया आपको फिलहाल वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।